हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैंने स्पेशली उन गिटारिस्ट के लिए बनाया है जो पहली दफ़ा सॉन्ग जो अभी आया है, रिलीज़ हुआ है, जिसे आतिफ असलम ने गाया है, उस सॉन्ग के गिटार को आज ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है ताकि वो भी खुद इसे प्ले कर पाए गिटार पे और इसे गा सकें। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें बहुत इजीली ये सॉन्ग प्ले करना आ जाएगा। सो अब फोकस करते हैं थोड़ा गिटार पे। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कैपो फिक्स किया हुआ है 4th फ्रेट पे, क्योंकि ओरिजिनल जो कॉर्ड्स यूज़ किए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं सॉन्ग में, और कैपो फिक्स करने से सॉन्ग के कॉर्ड्स जो हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं। सो अब जो कॉर्ड्स बनेंगे वो हैं सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर। एफ मेजर आप ओपन भी प्ले कर सकते हैं या फिर इस तरह भी प्ले कर सकते हैं, बार कॉर्ड। जी मेजर और ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर और ई माइनर, ये कॉर्ड्स हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न स्ट्रमिंग पैटर्न है। आइए देखें ये कैसे स्ट्रम करते हैं। इसमें चक साउंड यूज किया गया है। सो चक साउंड लाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप इसे स्ट्रम कर रहे हैं तो आपको ये चक साउंड आता है। इससे आपका ये जो पोर्शन है पाल्म का, आपको इससे चक साउंड लाने के लिए इसे हिट करना है स्ट्रिंग्स को। ये इस तरह से चक साउंड आएगा। और स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। सो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि क्या कॉर्ड्स हैं एंड कैसे स्ट्रम करते हैं इस सॉन्ग में। एंड अब हम लोग प्रोसीड करते हैं सॉन्ग के साथ और देखते हैं कैसे कॉर्ड्स को यूज करते हैं इस सॉन्ग में। इस तरह बन गया अफसाना,